हेलो डियर स्टूडेंट्स, हिबा के लेक्चर में इसके पहले की क्लास में हमने मीनिंग ऑफ हिबा के बारे में अच्छे से समझा था कि हिबा की क्या मीनिंग होती है. मैंने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताया था. और मीनिंग के बाद हमने दो और पॉइंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें आपके बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं एक वैलिड हिबा होने के लिए, जिसमें मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए थे. बहुत अच्छे से हमने उसको डील किया था बेसिक फीचर्स में, कि इंटर वाइवोस होना चाहिए, बाय वन लिविंग टू अनदर लिविंग पर्सन होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना चाहिए, ये सारी बातें, और विदाउट एनी कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट. उसके बाद हमने देखा था एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिबा. एक वैलिड हिबा होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए, जिसमें चार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था, कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए. पार्टीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जो गिफ्ट की पार्टीज़ होती हैं, हिबा की पार्टीज़ होती हैं, डोनर और डोनी के नाम से हम जानते हैं. जो गिफ्ट करता है, विलिंग होता है वॉलंटरली गिफ्ट करने के लिए, उसको हम डोनर कहते हैं. और जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर की जानी है, गिफ्ट दिया जाना है, जो बेनिफिशियरी है, जो प्रॉपर्टी को रिसीव करने वाला है या रिसीव करता है, उसको हम डोनी के नाम से जानते हैं. तो कॉम्पिटेंसी की बात की थी हमने, और चार पॉइंट्स और देखे थे, जिसमें हमारा दो पॉइंट छूट गया था आपका, तो उसमें ये दो पॉइंट्स और ऐड कर लीजिएगा. जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया था, उसके बाद आप पाँचवा पॉइंट उसमें चाहें तो एक्सेप्टेंस को भी ऐड कर सकते हैं, कि एक वैलिड हिबा या गिफ्ट होने के लिए उन चार बातों के अलावा, डिलीवरी ऑफ पोजीशन के अलावा, पांचवी क्या एसेंशियल कंडीशन है, तो एक्सेप्टेंस किया जाना चाहिए हिबा का, गिफ्ट का. जब भी कोई डोनर डिक्लेयर कर रहा है इस बात को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहता है, हिबा करना चाहता है, डोनी से अपनी मैनिफेस्टेशन करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी इंटेंशन को, क्लियरली शो करता है इंटेंशन कि वो अपनी प्रॉपर्टी को हिबा करना चाहता है, तो डोनी को भी डोनर के लाइफ टाइम में ही उसको एक्सेप्ट करना होगा. अगर डोनी डोनर के लाइफ टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं दे पाता है, और अगर डोनी इनकॉम्पिटेंट है, अनसाउंड माइंड है, ल्यूनेटिक है, उसके बिहाफ पे कोई और जो भी उसका गार्डियन है वो एक्सेप्टेंस डोनर के लाइफ टाइम में नहीं देता है, तो वो हिबा वैलिड हिबा नहीं रह जाएगी, वॉइड हो जाएगी, इन एग्जिस्टिंग मानी जाएगी. तो यहाँ एक आपका एसेंशियल कंडीशन ये होगा कि डोनर के लाइफ टाइम में ही, जब भी डोनर अपनी इंटेंशन को क्लियर करता है, मैनिफेस्ट करता है डोनी से कि वो कोई प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट करना चाहता है, तो डोनर के लाइफ टाइम में ही डोनी को उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेना होगा फॉर अ वैलिड हिबा. ओके, पांच पॉइंट्स हो गए आपके, और सिक्स्थ वाला पॉइंट एक देख लीजिए, कि जो गिफ्ट दिया जाना है प्रॉपर्टी का, डेफिनेटली पोजेशन नहीं दिया जाएगा, ओनरशिप का भी दिया जाना ज़रूरी है. सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ही सफिशिएंट नहीं होगा, एनफ नहीं होगा एक वैलिड हिबा के लिए. तो जो गिफ्ट दी जा रही है, जो भी सब्जेक्ट मैटर दिया जा रहा है, जिस भी प्रपोर्शन में दिया जा रहा है, इधर होली और पार्टली, मूवेबल या इमूवेबल, टेंजिबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी दी जा रही है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकेगी, टेंजिबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाएगा. तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी डिलीवर की जानी है, हिबा किया जाना है, तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए. किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का डोनर गिफ्ट नहीं कर सकेगा, हिबा नहीं कर सकेगा. और अगर किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाता है, तो ऐसा गिफ्ट या हिबा वॉइड गिफ्ट या हिबा माना जाएगा. ओके, तो ये आपके छः एसेंशियल कंडीशंस हो गए एक वैलिड हिबा होने के लिए. ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो मैंने आपको लास्ट फोर्थ वाला पॉइंट लास्ट लेक्चर में बताया था, कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज़ वेरी नेसेसरी, उसके कुछ एक्सेप्शंस की बात भी हम करेंगे आज, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये टेल क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए, या अलग से ही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या ऐसा भी हिबा किया जा सकता है, या वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से एक्सेप्शंस हैं जिनमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन हिबा के सब्जेक्ट मैटर का, प्रॉपर्टी का नेसेसरी नहीं है. तो जो लास्ट पॉइंट हमने फोर्थ वाला देखा था, कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी एसेंशियल फॉर अ वैलिड हिबा, उसके हम एक्सेप्शन की बात आज की क्लास में करेंगे. तो लिखा हमने, देर आर सम एक्सेप्शंस अवेलेबल इन विच द डिलीवरी ऑफ पोजीशन
ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट और प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी. ये एक्सेप्शंस के थ्रू हम समझेंगे. इसके पांच एक्सेप्शंस मैंने फाइंड आउट किए हैं बुक्स में, आप इनको देख लीजिए. इससे हम गॉन थ्रू हो लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें डिलीवरी ऑफ पजेशन इज नॉट नेसेसरी ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर विच इज द गिफ्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ हेबा. ओके, तो पहला पॉइंट हम समझते हैं. जब भी कोई गिफ्ट किया जा रहा है, गिफ्ट बाय फादर और गार्जियन, जब भी किसी फादर ने कोई गिफ्ट किया है, किसी गार्जियन ने कोई गिफ्ट किया है अपने किसी माइनर चाइल्ड को, किसी ल्यूनेटिक चाइल्ड को, तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पजेशन गिफ्ट का, हिबा का, प्रॉपर्टी का, मूवेबल या इमोबल प्रॉपर्टी का डिलीवर किया जाना नेसेसरी नहीं होगा. और ऐसा ना किया जाना भी एक वैलिड हिबा, एक वैलिड एक्सक्यूज माना जाएगा. और इसके एब्सेंस की वजह से हिबा इनवैलिड नहीं हो जाएगा, तब भी ये एक वैलिड हिबा ही बना रहेगा. बिकॉज जो ल्यूनेटिक चाइल्ड है आपका, जो माइनर है, वो प्रॉपर्टी को अपहोल्ड करने के लिए, रिसीव करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है. इसलिए जो फादर या गार्जियन होगा, पजेशन उसके पास ही रखा जाना होगा. लेकिन अगर कोई साउंड माइंड का चाइल्ड है, मेजर चाइल्ड है, तो भी ये किया जा सकेगा. फादर या गार्जियन चाहे तो कुछ टाइम के लिए डिलीवरी ऑफ पजेशन को पोस्टपोन कर सकता है. अगर वो उस हाउस, किसी हाउस में किसी गिफ्ट को ओन कर रहा है और उसके लाइफ के लिए, उसके लिवलीहुड के लिए वो एसेंशियल है, तो ऐसी कंडीशन में गिफ्ट का या सब्जेक्ट मैटर का डिलीवर किया जाना नेसेसरी नहीं होगा और ये एक वैलिड हिबा माना जाएगा. फर्स्ट पॉइंट हमने डील कर लिया है इस एक्सेप्शन में कि कब डिलीवरी ऑफ पजेशन नेसेसरी नहीं होगा. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड देख लेते हैं. Whether donor and donee both resides in the same house. जब donor ने जो property gift की है वो एक house है, और house ऐसा है जिसमें donee भी reside कर रहा है, तो ऐसी condition में भी एक overt act करके, declaration करके या clear intention को show करके कि ये जो gift, ये जो house है वो donee को गिफ्ट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, सिर्फ एक ओवर्ट एक्ट या इंटेंशन शो कर दिया जाना किसी भी मैनर से. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी भी मैनर से अगर उसने अपना इंटेंशन डोनर ने शो कर दिया है कि वो डोनी को, प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहता है, तो यहाँ भी डोनर के द्वारा पजेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ पजेशन का दिया जाना नेसेसरी नहीं होगा और ये एक वैलिड हिबा कंसिडर कर लिया जाएगा. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट गिफ्ट बाय फादर और गार्जियन, जिसमें हमने ये दो बातों को डील किया. और सेकेंड पॉइंट आपका कि वेयर द डोनर एंड डोनी बोथ रिजाइड्स इन द सेम हाउस, जिसमें हमने देख लिया कि ये क्या मैनर्स होंगे, किन मैनर्स में वो डोनर अपने इंटेंशन को शो कर सकेगा और बता सकेगा कि वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहता है. ठीक है, थर्ड देख लेते हैं. व्हेन द गिफ्ट इज मेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ और वाइफ टू द हस्बैंड. ओके, हाँ, आपका ये जो सेकंड पॉइंट है वेयर डोनर एंड डोनी बोथ रिजाइड्स इन द सेम हाउस, इसमें जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो बातें लिखी हैं, कैन बी डन बाय एन ओवर्ट एक्ट और बाय शोइंग अ क्लियर इंटेंशन. इस बात को रेटिफाई किया गया था इस केस लॉ में. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस लॉ आया था, हुमेरा बीवी वर्सेस नज़्मुन्निसा, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है. इस केस में इस बात को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रेटिफाई कर दिया था कि अगर डोनर और डोनी सेम हाउस में रहते हैं और डोनर ने एक ओवर्ट एक्ट के थ्रू या क्लियर इंटेंशन के थ्रू ये शो कर दिया है कि वो अपने हाउस को डोनर, डोनी को गिफ्ट करना चाहता है, तो इतना ही सफिशियंट होगा वैलिड हिबा के लिए और ये एक वैलिड हिबा ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. व्हेन द गिफ्ट इज मेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ और वाइफ टू द हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने कोई गिफ्ट किया है अपनी वाइफ को या वाइफ ने किसी प्रॉपर्टी को अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है,
तो इस कंडीशन में भी पोजीशन का दिया जाना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज लॉ ऐसा मानता है कि हस्बैंड और वाइफ सिंगल पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन नेसेसरी नहीं होगा और ये भी एक वैलिड गिफ्ट या हिबा हो जाएगा। और आपका फोर्थ पॉइंट, वेयर द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ डोनी, डोनी ऑलरेडी पोजीशन में है, हो सकता है कोई हाउस ऐसा हो जिसमें डोनी ऑलरेडी रिजाइड कर रहा हो, डोनर किसी और हाउस में रिजाइड कर रहा है, डोनर की ये इंटेंशन है, वो विलिंग है, वॉलेंटरली ये चाहता है कि उस हाउस को जिसमें डोनी रिजाइड कर रहा है ऑलरेडी डिलीवर कर दिया जाए, गिफ्ट कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में भी जब डोनी ऑलरेडी पोजीशन में है तो उसको रीपोजीशन में लाना नेसेसरी नहीं होगा और ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया है और ये वैलिड हिबा का पार्ट बन। तो चार पॉइंट्स हमने देख लिए कि गिफ्ट बाय फादर और गार्जियन, वेयर डोनर एंड डोनी बोथ रिजाइड्स इन द सेम हाउस, जिसमें हमने अलाहाबाद हाई कोर्ट का इम्पॉर्टेंट केस देखा है हुमेरा बीबी वर्सेज नज़मुन्निसा, इस बात में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पॉइंट को रेटिफाई कर दिया, वैलिड हिबा मान लिया। थर्ड पॉइंट हमने देखा, व्हेन द गिफ्ट इज मेड बाय हस्बैंड टू द वाइफ और वाइस वर्सा, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं होगा। और अगर प्रॉपर्टी पोजेशन में है डोनी के पहले से ही, तो यहाँ भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन रीपोजेशन का दिया जाना ज़रूरी नहीं होगा और ये कंसिडर कर लिया जाएगा एक वैलिड हिबा। और फिफ्थ पॉइंट में हम आपका देख लेते हैं, जब डोनर और डोनी दोनों किसी प्रॉपर्टी के को शेयरर्स हैं, एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के दो को शेयरर्स हैं ए और बी, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करना चाहता है जिसमें दोनों ऑलरेडी पोजीशन में रह रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, तो इस कंडीशन में भी डोनर डोनी को पोजीशन देने के लिए बाउंड नहीं है, नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है और ये भी एक वैलिड हिबा मान लिया जाएगा इसके एब्सेंस के बावजूद। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना आपका एक्सेप्शन भी देख लिया कि क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे जहां डिलीवरी ऑफ पोजीशन ज़रूरी नहीं है, बेसिक फीचर्स देख लिए, एसेंशियल कंडीशंस देख ली, मीनिंग देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बातें हिबा के बारे में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही।